घोषणाएं करने के लिए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए पूरा समय दिया गया वो महाराष्ट्र में, और अंततोगत्वा जब बिल्कुल अंतिम मुहाने पर आकर के चुनाव का ऐलान किया गया, महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा का नतीजा भी बिल्कुल ऐसा था कि सरकार लगातार भाग रही थी इलेक्शन से वहां, तो फाइनली करवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इलेक्शन की एक निश्चित तिथि है कि उसके पहले तो आपको करवाना ही है, तो वो करवाना पड़ रहा है। हम स्वागत करते हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। सर, तैयार तो है, आप कितना जीत की तरफ देखते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग महाविकास आघाड़ी के लोग लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को देखें, उद्धव ठाकरे लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को देखें, बाकी चीजों की तरफ ना देखें, कि सरकार तो महायुति की ही बनने जा रही है। देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। शिंदे साहब अभी चुनाव घोषित होने से पहले तक जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन क्या कमान उनके हाथ में है? क्या वो फ्रंट सीट पर हैं? क्या वो तो एक चेहरा थे, एक मोहरा थे, सरकार तो कोई और चला रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था ये पूरा देश जानता है। तो शिंदे साहब ने अपना गोल्डन पीरियड काट लिया है और अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कह रही है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके वहां सरकार बनाई गई थी महायुति की। अब महाराष्ट्र की जनता उसका बदला लेना चाहती है, उसका आंशिक बदला उसने लोकसभा चुनाव में लिया भी है। सर, लेकिन इसके अलावे आप लोगों ने हरियाणा के चुनाव में कई उनपे ईवीएम पे और कई जगहों पे इस तरीके की बातों की शिकायत करी। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से निष्पक्षता है और फुल प्रूफ है ईवीएम, कोई दिक्कत नहीं है, जनता का पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ईवीएम में इस तरीके से उनको विश्वास है। अपोजिशन ने जो सवाल उठाए थे उनके ऊपर कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने ईवीएम पर जो सवाल उठाए बहुत तथ्यात्मक है, कोई कोरी बयानबाजी नहीं है कि आपने एक शेर सुना दिया और तारीखों का ऐलान कर दिया और सारी चीजों से फुल प्रूफ बता दिया। वो तथ्यात्मक आरोप है विपक्ष के और लिखित में हमने आरोप लगाए हैं। जनता विश्वास इसलिए जता रही, जनता बदलाव चाहती थी इसलिए जनता ने विश्वास जताया, पार्टिसिपेशन किया, बढ़ चढ़ के मतदान प्रतिशत रहा, जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन परिणाम उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं आए। तो इसका यह मतलब थोड़ी कि आप उस पूरे सिस्टम को निष्पक्ष करार दे देंगे और ये कह देंगे कि नहीं, कहीं कोई खामी नहीं है। विपक्ष लड़ेगा उस मुद्दे पर, मजबूती के साथ लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने से जरूर बचाएं। पिछली बार चुनाव बाद लूटा गया था लोकतंत्र, लेकिन इस बार हम सारी तैयारियों के साथ चुनाव में उतरेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता प्रचंड रूप से मौजूदा सरकार से नाराज है और वो फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार चाहती है। उपचुनाव भी है उसके अंदर, उत्तर प्रदेश के भी, और एक बड़ा और महत्वपूर्ण उपचुनाव जिसकी जिसके ऊपर नजर हर राजनीतिक गलियारे की रहेगी वो है वायनाड का। हाँ, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वायनाड का चुनाव तो सरकार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ करा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि भाजपा जानती है कि वहां उसके लिए कुछ नहीं है, वहां से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही है तो कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं है, इसलिए सरकार ने उस चुनाव को महाराष्ट्र के साथ कराने का मतलब जितना टाल सकते थे। मैंने कहा ना कि अंतिम मुहाने पे जाके जब लोकतंत्र ने एक तिथि निश्चित कर रखी है कि इस तारीख तक तो हो ही जाना है, तो वो बिल्कुल रबड़ को आखिरी मोर्चे तक खींचने की कोशिश करते हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी जी नामांकन दाखिल करेंगी। वायनाड की जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को अपना प्यार दिया था, समर्थन दिया था, वैसा ही समर्थन प्रियंका गांधी जी के लिए वायनाड की जनता देगी। वायनाड से लोग लगातार इंतजार में है कि प्रियंका जी आए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो, और हम सबके लिए भी बहुत प्रतीक्षा वाली बात है कि प्रियंका जी आएं और लोकसभा में आगे बढ़कर के राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके इस मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ें। और वो बहुत ही सुखद दिन होगा जिस दिन प्रियंका गांधी जी